सूर्य देव को वैदिक ज्योतिष में पिता के समान माना गया है। सप्ताह में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। सूर्य ग्रह की एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कुंडली में कभी वक्री चाल नहीं चलता। वैदिक धर्म ग्रंथों में सूर्य देव को प्रसन्न करने के बहुत से उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है सूर्य अष्टकम का पाठ। ऐसा माना जाता है कि सूर्य अष्टकम का पाठ करने से सूर्य देव जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी समस्याओं से अपने भक्तों को छुटकारा भी दिलाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं क्या है सूर्य अष्टकम पाठ और इसे करने की सही विधि। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद साफ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके लिए एक तांबे के कलश में जल, रोली या चंदन और लाल पुष्प डालकर अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर सूर्य अष्टम का पाठ जरूर करना चाहिए। जानकारों के मुताबिक इस पाठ को रविवार के दिन शुरू किया जाए तो सर्वोत्तम माना जाता है। जिस व्यक्ति को पूरी तरह से लाभ प्राप्त करना है तो उसे नियमित रूप से सूर्योदय के समय इसका पाठ जरूर करना चाहिए। सूर्य अष्टकम का पाठ पूरा होने के बाद सूर्य देव को मन ही मन स्मरण करते हुए नमस्कार करना चाहिए। किन्हीं कारणों से यदि आप प्रतिदिन सूर्य अष्टकम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो हर रविवार अवश्य करें। जो व्यक्ति सूर्य अष्टकम का पाठ करता है उसे रविवार के दिन मांस, मदिरा और तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। संभव हो तो रविवार के दिन नमक भी न खाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।